वहीं गरियाबंद में धान की तस्करी और अवैध भंडारण रोकने का नाम नहीं ले रहा। जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बाद भी बिचौलिए धान की अफरा तफरी में लगे हुए हैं। ओडिशा सीमा से लगे होने के कारण जिले में बड़े पैमाने पर धान की तस्करी हो रही है। ताजा मामला छुरा क्षेत्र के खडमा और मुढ़ा गांव का है, जहां जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो किराना दुकानों से 2930 बोरा धान जब्त किया है। इनके पास 2324 ये बोरी धान अवैध रूप से पाया गया है। इनके द्वारा स्टॉक का मिलान नहीं हो पा रहा है और जो मंडी अधिनियम के तहत जो प्रक्रिया होती है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसको धान को जब्त किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, अवैध धान की बिक्री पर पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या खुलासे हो पाए हैं? 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की सबसे बड़ी योजना जो है किसानों के लिए शुरू होने वाली है और उससे पहले ही 16 नवंबर को ही उड़ीसा के जो सीमावर्ती इलाकों से जो धान की आवक होती थी उससे प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है और इस प्रतिबंध के तहत ही जो लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों आपने खुद हमने देखा है कि कलेक्टर और SP जो है देवभोग तहसील पहुंचे हुए थे, जहां से 15,000 बोरा यानी कि 1.5 करोड़ के धान की जब्ती हुई थी। उसी कड़ी में जो छुरा तहसील है, छुरा तहसील जो उड़ीसा इलाके से लगे इलाके हैं, वहां भी तहसीलदार की टीम ने दबिश दी है और वहां 2930 बोरा लगभग धान जब्त किया गया है। ये जब्ती इसलिए हो रही है क्योंकि जो लाइसेंसी फुटकर व्यापारी हैं, जो गल्ला के व्यवसायी हैं, वो अवैध तरीके से इस धान को खरीदी कर रहे हैं क्योंकि 16 तारीख से जो है उड़ीसा का धान पे प्रतिबंध लगा हुआ है और क्योंकि किसान जो है जो समर्थन मूल्य में धान बेचेंगे वो व्यापारी को किसी भी हाल में नहीं बेच सकते। जो उनके पास धान का भंडारण हुआ है उस भंडारण के लिए वैध दस्तावेज होना जरूरी है। अगर कोई फुटकर व्यापारी या लाइसेंसी व्यापारी खरीदी भी बताता है लेकिन उसको जिस संस्था से या जिस किसान से खरीदा है उसको उसका प्रमाण देना होगा। खुद तहसीलदार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश साहू जी, बहुत स्वागत है आपका, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी जी, बताइए जी। राकेश साहू जी, जैसे कि अवैध धान की बिक्री का जो काला कारोबारी है वो लगातार जारी है, हालांकि ये पहला मामला नहीं लेकिन एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिला प्रशासन ने, क्या कहेंगे? ये जितने भी अवैध रूप से धान भंडारण किए हुए हैं जी, उन पर प्रशासन सख्त नजर रखी हुई है और जो मंडी अधिनियम के तहत उनकी जो औपचारिक धान खरीदी की जो प्रक्रिया है जी, उसके तहत उनके पास कागजात पूरे नहीं होने के कारण उसको जब्त किया गया है और लगातार ऐसी कार्रवाई यहाँ पे जारी रहेगी। लगभग कितना माल जब्त किया गया है साउजे? नहीं, मेरे तहसील में कल जो मैंने कार्रवाई की है उसमें 1112 क्विंटल धान जब्त हुई है, लगभग उसका कीमत 21 लाख रुपए है जी। और साथ में इस बात की भी खबर लगी है कि जो व्यापारी इस फिराक में था कि इसे अवैध रूप से बेचा जा सके, उस व्यापारी से पूछताछ में क्या खुलासे हो पाए? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ऐसे किसी व्यापारी की गिरफ्तारी होती है, उसे अगर उससे पूछताछ की जाती है तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी उनके द्वारा जो कागजात था उसको दिया गया है और उसको मंडी निरीक्षक के माध्यम से जांच कराई जा रही है और जो भी कार्रवाई होगी उसको कलेक्टर साहब के पास पुट अप किया जाएगा और उसमें निर्णय करेगा कलेक्टर महोदय जो है। क्या ऐसा समझा जाए कि आगामी वक्त में इस कार्रवाई को और तेज कर दिया जाएगा ताकि इस तरीके से जो व्यापारी अवैध रूप से बेच रहे हैं धान को, उन पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं एक सफलता मिल सकती है आगे किस तरीके से? बिल्कुल, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जहाँ भी हमको सूचना मिल रही है कि धान का अवैध भंडारण किया गया है उसमें पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साहू जी। और लगातार हमारे साथ दूसरी तरफ स्वराज संवाददाता पुरुषोत्तम भी जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।